क्या मौर्या जी कुछ काम कराए हैं? कुछ नहीं, वो लुटेरा है, वो जिस पार्टी में देखते हैं जो यहाँ ढेर हमको माल मिलेगा उसी में रहते हैं, जहाँ ये उनको पता चलता है जो इसमें कम माल मिलेगा, जांच पड़ताल होगा, उससे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और हाथों से 12 बजे को बेटी जला दी जा रही है, वहाँ पे लोग के हाथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी अपने जो चरम पे है वो पहुंच चुका है। पहले और दूसरे फेज की वोटिंग समाप्त हो गई है, और जो जनता है वो इस चुनाव में किस तरीके का ओपिनियन रख रही है, क्या मूड रख रही है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जनता से संवाद करने के लिए आए हैं। फिलहाल हम पडरौना के विशनपुरा ब्लॉक के मनसा छापर में मौजूद हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पडरौना विधानसभा की जो जनता है वो क्या सोच रही है। क्या लग रहा है चाचा, यहाँ क्या मूड चल रहा है जनता का? मूड तो यहाँ चल रहा है भाजपा का चल रहा है। उसका लोग खाए हैं तो किसको वोट देंगे? साल भर से जिला रहे या कोरोना में दुकाना में जे राशन दो बार, बुढ़ापा पेंशन दुकाना जे किसानी, अब खाकर कोई नमक हरामी करे तो उसका कौन सी बात है? सत्ता में नहीं है, हाँ कहाँ से आपको खिलाएगी? सत्ता में रहेगी वही ना खिलाएगी। जो सत्ता में था उसको भी हम देखे हैं, कांग्रेस 70 साल सत्ता में रही है, मुलायम भी रहे हैं, जो कि वहाँ जा करके दुकाना राम मंदिर पर गोली चलवा दिए, दुकाना में जो खून का नदी बहवा दिया, अखिलेश के सरकार भी देखे हैं, मायावती के सरकार भी देखे हैं, हम लोग आज के नहीं हैं। तो कुल मिला के अभी शासन सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा शासन इसका चल रहा है। अब जो खा करके नमक हलाली कर दे उसका कौन सा दवा है? हाँ, तो आप लोग के यहाँ कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ है हमारे यहाँ। पहला काम तो राम मंदिर बनवा दिया, दुकाना 70 साल कांग्रेस राज की है, कोई सुन रहा है सरकार उसके विषय में? केवल वोट के लालच में जो हम मंदिर बनवा देंगे तो हमको वोट नहीं, मुसलमानों को वोट कट जाएगा, फलानों को वोट कट जाएगा, दलितों को वोट कट जाएगा। सभी लोग तो कहते थे जो हमारा वोट बैंक बैलेंस है, मायावती कहती थी हमारा वो दलितों का वोट बैंक बैलेंस है, मुलायम कहते हैं हमारा वोट बैंक बैलेंस है। वोट क्या हो गया जब बीजेपी की सरकार बन गई थी? इसी तरह से इन साल भी होगा साहब, इस साल बीजेपी की सरकार बनेगी, हम कह रहे हैं बनेगी। योगी आदित्यनाथ के ऊपर लोग सवाल खड़ा करते हैं कि बड़ा तानाशाह है, करने दीजिए। हम कहते हैं, लोग कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये तो ब्राह्मण में अगर कोई बदमाश है, गुंडा है, उसको योगी मरवा दिए तो कौन सा बेजाय कर दिए है? जो 100 आदमी का मार रहे हैं और उसको एक आदमी मर गया तो कम से कम सलहन तो हो गए सभी लोग। बहुत लोग तो कह रहे हैं बहुत महंगाई बढ़ गया है। महंगाई कौन सा है, फ्री में लोग खा रहे हैं, मान लीजिए इतना तो एक सामान महंगा है तो कौन सा उसका महंगाई कहा जाएगा? इतना तो फ्री में दे रहे हैं कि नहीं? सारा चीज फ्री में, सालों से राशन दे रहे हैं। 1 करोड़ का तेल महंगा है, डीजल महंगा है, पेट्रोल जो यहाँ पैदा नहीं हो रहा है वो महंगा नहीं रहेगा? तो सरसों तो यहीं पैदा होता कुछ है, कुछ नहीं, सरसों यहाँ से तो नापाता हो गया, साफ खत्म हो गया। इन साल भी सरसों था तो बारिश ले गया, एकदम तोरी सरसों सब लोग सूख गया, फोरे नहीं रखा है। 3 साल से गन्ना सूख रहा है, हाँ ऐसे सूखते रहेगा तो कोई गन्ना की खेती करेगा? नहीं करेगा। सरकार की नजर पड़नी चाहिए ना इस पे, सरकार के नजर पड़नी चाहिए तो सरकार उसका मुआयना करा रही है, दुकाना मुआवजा बनाएगी तो देगी, और क्या कर सकती है सरकार? मोदी जी तो आए थे तो कह रहे थे चीनी मिल चालू हो जाएगा। मोदी जी आए थे चीनी मिल चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ का चीनी मिल में बहुत लफड़ा है, इतना लफड़ा है जो यहाँ के लोग चलने नहीं देंगे, बहुत नेतागिरी है इस मिल पर। यादव का लोग कहते हैं कि ये गढ़ है, फिर भी आप कह रहे हैं किसी का गढ़ नहीं है। कोई मुँह जबानी कह दे जो हमारा गढ़ है तो इसको हम नहीं, आप नहीं मान लीजिएगा, किसी का गढ़ नहीं है। जिसके जनता अच्छा देखेगी उसको वोट देगी, गढ़ किसका है इसका? विक्रमा यादव को कोई यहाँ खयान खाया है, कर्जा खाया है कि उनके जमीन में बसा हुआ है कि क्या लग रहा है, क्या मूड चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर बीजेपी निकल रही है, हाँ। यहाँ पर क्या हर जगह पर निकल रही है, वही क्योंकि उसका काम जात बिरादरी देख कर नहीं हो रहा है, वो जो हाँ। जो काम करे सबके लिए, ये सड़क जो बना है इस पर कोई केवल हिंदू ही चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है ये,
और इस तरह का शासन मैं अभी तक मेरा जब तक जब से जीवन है मैं इस तरह का शासन किसी भी सरकार में नहीं देखा हूँ। थोड़ा सा हम लोग योगी जी का काम भी जानना चाह रहे हैं, कौन सा काम आप योगी जी का इस क्षेत्र में देख रहे हैं? योगी जी का जो काम है सड़क, जैसे इतना दिक्कत होता था जाने आने जाने में, हर एक जगह सड़क अच्छा सुविधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ से, वो सरकार जब जिसका रहेगा वही ना काम करेगा। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ काम कराए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, वो तो बहुत खराब काम कराए, क्योंकि जो भी विभाग उनको मिला था उसमें किसी को नौकरी नहीं मिला, वो लेकर चले गए। वो क्या मौर्य जी कुछ काम कराए हैं? कुछ नहीं, वो लुटेरा है, वो जिस पार्टी में देखते हैं जो यहाँ ढेर हमको माल मिलेगा उसी में रहते हैं, जहाँ ये उनको पता चलता है जो इसमें कम माल मिलेगा, जांच पड़ताल होगा उससे निकल जाते हैं। तो कह रहे हम योगी जी को हरा दें। अरे वो क्या हराएंगे, उनके ऐसे ऐसे 10 मौर्य पैदा होंगे तब भी नहीं हरा पाएंगे। आम जनता जानती है, फिर भी बीजेपी उनको शामिल कर ली थी पिछले बार। ये बात जानते कॉल जे एक बार तनी नहु के देख लहल जा, तू अपन दुकान आज रूप बदल दहले, दुकान आज कह दहले तो फिर निकलियो तो गइले। ऊ तो कहत न हम नेउर हई, तो नेउर हमें तो ये बेरी नेउरो ना आई रह जही ये बेरी। क्या लग रहा भैया? सब कोई देगा भाजपा को, भाजपा का देगा। समाजवादी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं ये हमारा गढ़ है, क्या करेंगे जब मोदी इतना मतलब सुभायता दिया है तो करना ही पड़ेगा ना। विक्रमा यादव आपके क्षेत्र से है, फिर भी आप लोग आ गए, उनको क्या जानते हैं? ये तो इधर मान लीजिए नहीं जानते हैं। अब मान लीजिए हर महीने सरकार 500-500 रुपया श्रम कार्ड पे भी देती है। कौन लड़ रहा है भाजपा से यहाँ से? अब ये नहीं मालूम है। कौन लड़ रहा है भैया भाजपा से यहाँ से? अरे भैया तू हमसे काका वही नहीं, हम लोग केहू के कुछ नहीं कहो, हम केहू कुछ विरोधी नहीं बतिया। के गो वोटवा के देबो? हमरा हमरा साइकिल पे देओगे बा। साइकिल पे देओगे बा? का है कौची? का है कौची? अखिलेश के देओगे बा? हर चीज से महंगाई हो गई, पेट्रोल का दाम बढ़ गई, गैस सिलेंडर भीतर हो गई। चाचा तो कहत रहे कि राशन मिलता फ्री में, तो राशन मिले तो सरमा खत्म होकर तब मोदी जगह कहत रहा घुमाओ तना। तो साल भर से तो राशन मिलते ना बा, भाजपा कोट दे साल भर से तो राशन मिलता ना? हाँ मिलता, तो सब कोई खाता भाजपा वाला खाता। जो उस समय शासन था कि जिस तरह का सामान जो मिल रहा था उन लोगों को, हर चीज कमाई भी तो उतना ही था, उसी के हिसाब से कमाई था। कमाई बढ़ेगा तो उस समय वो भी तो उसका भी तो दाम बढ़ना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि 100 का दाम नहीं बढ़ रहा है, 100 का दाम जब बढ़ेगा तो तेल का भी तो दाम बढ़ेगा ना। तो सरसों का दाम तो बढ़ा ही नहीं है, बढ़ा है सब चीज का दाम बढ़ा है। उसके बाद उसी के आधार पर वो भी तो अब मान लीजिए गन्ने का लोग कह रहे हैं अधिक पैसा मिल रहा है, जब गन्ने का पैसा अधिक मिलेगा तो चीनी भी तो महंगा होगा, गुड़ भी तो महंगा होगा, ये लोग नहीं देखते हैं लोग। 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा था, आखिरी आते आते 25 रुपये बढ़ा है गन्ने का दाम। तो बढ़ा तो है ना, तो 5 साल बाद 25 रुपये बढ़ा है मान लीजिए, तो अगर वो बढ़ाएगा तो चीनी का भी तो महंगा बढ़ेगा, चीनी भी तो नहीं बढ़ा है ना। तो डीजल का दाम बढ़ गया, सिंचाई में पैसा ज्यादा लग रहा है, बीज का दाम महंगा है, खेती में पैसा महंगा लग रहा है, तो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है खेती में तो जो वहाँ से प्रोडक्शन निकल रहा है उसका भी तो उनको वापसी कुछ चाहिए ना। मान लीजिए पहले के जमाने में वही खेत था, जब 1 बीघे खेत में उसी के हिसाब से अनाज बहुत कम निकलता था, लेकिन अभी अच्छा जब खाद डाल रहे हैं तो अच्छा अनाज तो निकल रहा है, अधिक पैदावार हो रहा है उसका। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनेगा और विक्रमा यादव आएगी, बीजेपी जाएगी यहाँ से। ये भैया कह रहे हैं रोड का विकास हुआ है, चलिए यहाँ पे बस 50 मीटर चलिए यहाँ से, देख रोड का विकास कितना हुआ है बेहतर भाजपा में। पडरौना नगर है हमारा, शहर भी नहीं नगर है, और नगर में ज़्यादा पैसा आता है। और पडरौना जो खिड़किया रोड है या स्टेशन रोड है या किसी गली में चले जाइए, 4-4 अंगुल में रोड टूटा हुआ है, और ये कह रहे हैं विकास हुआ है बीजेपी में। तो बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि मुफ्त में राशन मिल रहा है। जिस वक्त यही स्मृति ईरानी है, जब 350 सिलेंडर 400 हो गया तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री चूड़ी भेजी थी उनको, सिलेंडर सब घूम रही थी। आज स्मृति ईरानी फिर मंत्री हैं, आज 1000 हो गया, कहाँ हैं? क्यों नहीं मोदी जी को चूड़ी भेज दी, भेज दें उनके। तो आपको लग रहा है महंगाई मुद्दा है? महंगाई तो इतना मुद्दा है जो चरम सीमा पे है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोई बात करें बात करें मुझसे, मैं बात करूँगा उससे। तो अभी तो यही आप ही के आसपास मैं भी बात कर रहा हूँ कि यही चलिए यही रोड देखिए। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? सब माहौल वही है,
क्या महंगाई है बात, जगह जगह तब महंगाई है। चलो किसको ओटवा दिला रहा है? दिया जा। अरे तो कहूँ मन हो ना कुछ मन हो हमारा बुझाता साइकिल पे बुझाता का है का कोई जा महंगाई देख कर कुछ काम भइल बा ना ना कोनो काम नहीं भइल कोनो काम नहीं के भइल मोरिया जी कोनो काम नहीं करो ना मोरिया जी तो ताली तो मुंह देखाओ कर दे बा तो मोरिया जी तो साइकिल में चल गई ना साइकिल में चल गए लंबी तो साइकिल ये बढ़ी आई क्या लग रहा भैया एकदम 100% यहाँ भाजपा की सरकार बनने वाली है। भाजपा की सरकार बन रहा है इसलिए कि यहाँ कोई भेदभाव को काम नहीं किया गया है। जो भी केंद्र की स्कीमें हैं योगी जी 100% लागू किए हैं, किसी जात पात को देकर नहीं लागू किए हैं। यहाँ जो भी जो है यहाँ जो भी काम हुआ है वह बांट कर नहीं हुआ कि यह हिंदू है मुसलमान है, ये गरीब है या अमीर है, जिसको लाभ जो है उसको मिला है। हमारे यहाँ चलिए जो है पात्र गृहस्थी से लेकर के और सब तक 2 रुपया राशन सबको मिल रहा है। कोई तो पहले 7 रुपया मिलता था, 2 रुपया मिलता था, अभी चाहे सफ़ेद कार्ड हो या लाल कार्ड हो आपको सबको 2 रुपया मिल रहा है राशन, सबको फ्री राशन मिल रहा है। यहाँ तक कि कोरोना में वैक्सीन सबको गवर्नमेंट इतना तबाही के बाद भी वैक्सीन फ्री लगवाई है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है बिशुनपुरा ब्लॉक, इतना रोड का काम कहीं नहीं हुआ है, पटोरा जगह मार्ग पर काम लगा हुआ है, ये नहीं कि बंद है, बंद नहीं है, काम लगा हुआ है। अब चूंकि आप तो ढूंढ रहे थे बताइए, चलिए विकास हमको दिखाएं, ये पंडित जी हैं और हमको ये विकास दिखाएं, यही रोड चलिए सामने चलिए, चलिए 10 मीटर चलिए। पटोरा से जटा तो जो काम लगा हुआ है उसको तो देखिए आप जो है बताइए, चलिए भैरवा से लेकर के और कहाँ कहाँ पे काम लगा है वहाँ आया जटा से बनते हुए जटा मार्ग पर भैरवगंज से लेकर के और आप जटा तक चलिए, हाईवे फेल है, इतना अच्छा रोड बन रहा है यहाँ लोग चले जाइए डुमरी हो करके इतना हाईवे रोड है कि आप परेशान हो जाएंगे, साइकिल नहीं सुध से चलता है और गाड़ी तो और है। सही बताइए आप देख रहे हैं काम लगा हुआ है, मानिए एक ही बार पूरा सड़क तो बन नहीं जाएगा, काम जो लगा हुआ है उसमें तो बनना ही बनना है। 4 साल हो गया ये रोड बनने में, आपको फ्री में हर चीज दे रही है, सुविधा दे रही है, वो कहाँ चला गया उसका कुछ नहीं कर रहा है। तो वैक्सीनेशन तो सरकार का जिम्मेदारी है, वो तो उनको कराना था। चलिए 100% जो 6000 दे रही है किसान को सम्मान निधि वो कहाँ चला गया? 6000 दे रही है, 6000 का बीमा दे रही है वो कहाँ चला गया? बोलिए टैक्स जो ले रहे हैं तो आपको आवास पर 2,40,000 रुपए दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है आपको भाई? तो आप बात ही है कि हमारे ग्राम प्रधान से कि हमको आवास नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बाकी लोगों को मिलेगा बाकी को नहीं मिलेगा। यहाँ तो फ्री में सब लोग खाने को तैयार है, यहाँ फ्री में खाने को सब लोग तैयार है। 10 रुपए डीजल बिके आज इंडिया में, 10 रुपए डीजल बेचे तब भी हमारी सरकार को फायदा होगा। हमारे देश से नेपाल डीजल खरीदता है और 52 रुपए बेच रहा है और हमारे इंडिया में तेल पर्याप्त है, फिर भी यहाँ पे 90 रुपए डीजल है। हमारे देश से खरीद डीजल 52 रुपए दूसरे देश से बेच रहा है, बताइए। अब सोचिए कि पहले के समय में जिसके घर एक बाइक होता था उसके घर चाचा पांच पांच बाइक चल रहा है, वो कहाँ से वो कहेंगे कि महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल? अभी समझिए कह रहे हैं लोग महंगाई हो गया है। 5 साल पहले हर घर में जो है कि ईंट का चूल्हा हुआ करता था, ईंट का चूल्हा हुआ करता, लोग लकड़ी से भी खाना बनाते थे। आप लिख लीजिए कहीं ऐसा घर बता दिए जहाँ पर ईंट का चूल्हा मिले आज के डेट में। आप गैस पर यूज करेंगे तो महंगा नहीं बढ़ेगा, पेट्रोल पर चलेंगे महंगा नहीं बढ़ेगा, साइकिल को चला रहे हैं आज के डेट में। तो जितना ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं उतना ही सरकार को टैक्स भी तो दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगा ना। तो जब आपको 1920 रुपया राशन मिल रहा है, बताओ चाची का बात चलता घर हमारा नहीं खा बना तो मोदी जी आवास देते नहीं मिले लो कहाँ मिले है बाबूआ नहीं मिले लो हमके तो फार्म भर ले रही हो फार्म तो भर ला ही तो काहे नहीं मिले लो अब प्रधान लोग जाने लो खाना मिले लो प्रधान से पूछ लू नहीं है काहे नहीं खे मिलो कुछ नहीं कहा था जब बजट आवे तो बताइए आज जो ये बात कह रहे हैं मोदी जी बोले कि मैं जो हवाई चप्पल पहनता उसको हवाई जहाज में उड़ाएंगे कहे कि नहीं कहे और आज 2,000 किलोमीटर किसान चल करके पैदल आया अपने घर को फोफले पड़ गए पैर में किसान मर गया कितने औरतों के रास्ते में बच्चे हो गए कितनी औरतें मर गई रास्ते में ही उस वक्त मोदी जी का रथ कहाँ था जो रथ आज घूम रहा है प्रचार में चाची कुछ पेंशन उन्सन मिला था पेंशन नहीं मिलो पेंशनियों बंद बा सब बंद बा केकरा के वोट दे वाल बालू बार पेंशन जब पेंशन हमारे मिला लगे तो हम दे के बार मैंने कुछ सोच ले ना केकरा के वोट दे
और जेके सब है दियो के हम जब पेंशन नहीं के मिलत आवास नहीं के मिलत तो अपने हिसाब से वोट देबू। हां हां मोदी के योगी अच्छा लगे हां वोटवा योगी के देबू के अखिलेश के अब दू जाने बालो अब जेके दिया छ मोदी दिया छ अखिलेश के बात साफ जब हम जब घर नहीं बनल पेंशन हमार नहीं मिलल हम का कही अरे वोट गठबंधन को दिया इतना परेशानी उठावा था नी के करे के हाथ पर न मर न बेटा हो केहू नहीं हो। अरे उधर देखिए उधर क्या लग रहा भैया बताइए भाई लड़ना है ये बात की ये सरकार जब आई थी तो कह रही है कि हम महंगाई कम करेंगे तो कहाँ महंगाई कम हुई बताइए भैया लाभ कीजिए कहाँ महंगाई कम बढ़ी है सुनिए महंगाई कहाँ बढ़ी है बता दीजिए आप 1400 रुपया गेहूँ बेचते सुनिए आप गैस बजा रहे हैं 1400 रुपया आप गेहूँ बेचते थे आज 1920 रुपया बेच रहे हैं आप 350 रुपया 350 रुपया क्विंटल आप गन्ना बेच करके आज भी 40 रुपया से 42 रुपया आप चीनी ले रहे हैं चीनी अब इस समय जो है खाली एक तेल बजा रहे हैं चीनी पे जा रहे तेल आप आयुष्मान कार्ड पे क्यों नहीं जा रहे हैं जहाँ 50,000 1,00,000 5,00,000 लोग का लाभ मिल रहा है उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं। चुनाव तो उत्तर प्रदेश का है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं ये पॉलिसी ये सारी जो आप गिना रहे हैं ये एक भी योगी सरकार की पॉलिसी नहीं है हम आपके बता रहे योगी सरकार हम आपसे योगी सरकार के कार्य को बारे में बात कर रहे हैं जो केंद्र की स्कीमें हैं यथावत राज्य सरकार लागू करने का उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है तो कोई भी सरकार होगी वो केंद्र की स्कीमों को अपने बंगाल में नहीं लागू था वहाँ पर अभी चुनाव में नहीं लागू था वहाँ पर वहाँ किसान सम्मान निधि नहीं मिला था कैसे बात करते हैं आपके राज्य सरकार लागू करेगी तो फिर कैसे लागू करेगी वहाँ बिल्कुल नहीं मिला था वहाँ दबाव में जो है बाद में दिलवाया गया है वो लोग तो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो केंद्र सरकार है वो उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती है गवर्नमेंट आएगी महंगाई तो बढ़ना है इसलिए कि आबादी बढ़ रही है आप आबादी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगा लेकिन उसके साथ अगर गवर्नमेंट आपको कोई चीज दे रही है जहाँ भेदभाव नहीं कर रही है उसको आपको मानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खुद मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ 5 साल में कोई हिंदू मुसलमान हुआ हो अगर कोई भी बात हुआ हो पूरे उत्तर प्रदेश में तो बताइए आप ये क्या है ये क्या है बताइए ये क्या है ये सुरक्षा है हाथरस में क्या हुआ है कह रहे हैं योगी जी का मोदी जी का नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और हाथरस में 12 बजे को बेटी जला दी जा रही है वहाँ पे लोग के हाथ है उसके घर के लोग नहीं जानते मीडिया नहीं पहुँच पा रही है मीडिया को रोक दिया गया वहाँ जाने से हाथरस में हुआ कि नहीं हुआ हाथरस में क्या हुआ हाथरस में कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ है आप देखिए उठा देखिए बोलिए अभी आप देख लीजिए जो है कि बोलिए बारे में बोलिए रामजाल फायदा जा रहा है हर आदमी सुख है आप बताइए अभी अभी मुद्दा आया है कि गन्ना सूख गया है सुनिए गन्ना सूख गया है यहाँ हमारे यहाँ मौर्या जी थे मौर्या जी काम नहीं किए और बेलम लगा दिए कि यह पिछड़ों की सरकार नहीं है यहाँ पिछड़े जो है नहीं है जब जब पहली लिस्ट आई योगी और मोदी की तो उसमें 75% OBC को सीट मिला लड़ने के लिए और यहाँ जो है गन्ना जब सूखता है तो उसके लिए फसल बीमा योजना है आप क्यों नहीं करवाते हैं अगर हम नहीं ऑनलाइन कराए तो हमको लाभ कहाँ से मिलेगा। फसल बीमा योजना से किसानों को पैसा मिला नहीं है कोई डाटा हो तो बताइए डाटा है आप ही की सरकार का डाटा है फसल बीमा योजना का जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है। हाँ ये कहिए कब हो सकता है लेकिन नहीं मिला हुआ बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इसी जिले में फसल बीमा योजना में रजिस्टर्ड कराया लोगों से बीमा कराया उसके बाद उस कंपनी का ऑफिस कहाँ है वो यहीं के लोग उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बताइए ये वाला क्या हुआ भाई जो अभी जो है गन्ना हमारे यहाँ जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं इस साल 8 से 10 दिन में गन्ना का पेमेंट आ जा रहा है उस पर कोई नहीं बोलेगा। कितने लोगों का पेमेंट आया मेरा ही है आपका आया लेकिन कितने परसेंट लोगों का पेमेंट आया भैया किसी का बाकी हो तो बता दीजिए यहाँ पर जो 15 दिन पहले गिराया हो उसका पैसा ना आया हो किसी से पूछ लीजिए मेरा खुद का आ गया 15 दिन पहले अगर गन्ना गिराया हो हाटा में और उसका पैसा ना हो किसी से पूछिए एक आदमी मिल जाए तो हमको बता दीजिए। पडरौना विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत शायद यही है कि लोगों को गन्ना कहाँ गिराए इसका आइडिया नहीं है। इस बार कोई दिक्कत नहीं है इस बार इतना शानदार तरीके से लोग गन्ना गिरा रहे हैं। गिराए आप गन्ना हाटा हाटा तो आपको हाटा जाना पड़ा गन्ना गिराने जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी सेंटर पे गिरा खुद प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ रैली करने आए थे तो यहाँ के लोगों से एक वादा करके गए थे कि यहाँ हम चीनी मिल चालू कराएंगे। आरपीएन सिंह के ऊपर उन्होंने सीधा कमेंट किया था। हमारे
हमारे पूर्व मंत्री माननीय मंत्री जो आरपीएन सिंह जी जो भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं अभी तो कांग्रेस में थे ना, उन्हीं के देखरेख में उन्हीं की जमीन में पडौना शुगर फैक्ट्री है, जिस पर अभी भी कोर्ट में स्टे चल रहा है कि उस पर कोई नव निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। कहाँ से मिल चल जाएगा? मिल के लिए सर्वे हुआ है, जाकर देखिए वहाँ पर। अभी जो है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल का स्थिति देख लीजिए, एम्स का स्थिति देख लीजिए, ये सब काम नहीं है। हॉस्पिटल का स्थिति आप कोरोना में देखे थे हैं? आ कोरोना के बगल में जो बन रहा है यहाँ कुबेर रोड पर, उसको सर्वे किया। हॉस्पिटल का स्थिति आप देखे थे? जिला अस्पताल की क्या स्थिति है? जिला अस्पताल की मेरा हाल है, आयु अस्पताल में यहाँ पटौना अस्पताल में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हम लोग खुद जाकर के वहाँ जो है अंशुमान बंका के देख रेख में हम लोग कई बार जाकर के काम। तो अंशुमान बंका को वोट मिलेगा? वोट ना मिले, लेकिन वो तब तक तो अगला काम किया था ना। तो क्या लग रहा है कि अंशुमान बंका अगर काम किया है तो उन्हें वोट मिलना चाहिए? हमारी पार्टी टिकट दी होती, अंशुमान बंका को हमारी पार्टी टिकट दी होती तो हम लोग खुल कर उसका सपोर्ट करते। क्या कारण लग रहा है कि पार्टी टिकट नहीं दी? हाँ पार्टी टिकट नहीं दी, पार्टी का ये मामला है। हम लोग जिसको टिकट देंगे उसको हम लोग झंडा उलट करेंगे और सीधा करेंगे कि जय श्री राम। श्री राम ये हिंदू मुस्लिम बात नहीं करते हैं, वोट के नाम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। खाली बजरंग बली और उस्ताद तो अली भी कहते हैं, उनके दम है। तो ये बिशनपुरा क्षेत्र की जनता थी। अभी हम बिशनपुरा क्षेत्र के मनसा छापर में मौजूद थे, पडरौना विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, और यहाँ की जनता का क्या राय है, वो इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके का मूड रख रही है, हम उसको आप तक पहुँचा रहे थे। ऐसे ही हम आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बों में भी आएंगे, आपसे आपका मूड इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके का ओपिनियन आप रख रहे हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए हम आपके पास आएंगे। तो चैनल को फॉलो कर लें और पेज पर बने रहें। जय हिंद।